नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस बुलेटिन में आज दिन भर की बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार की बड़ी बातें लेकर अंश भिलवाड़, तो वहीं पांच का पंच बताएंगे जिनय, साथ ही एविएशन को लेकर बताएंगे समीर दीक्षित, तो इसके साथ ही प्रकाश प्रियदर्शी भी एक एक्सक्लूसिव खबर देंगे। जैक्सन की बैठक की जानकारी बताएंगे सौमित सरकार। बाजार में बेहद सीमित दायरे में आज कारोबार हुआ। निफ्टी हल्की तेजी के साथ 24,820 के पास बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी भी 51,000 के नीचे बंद हुआ है। आज के बाजार का पूरा एक्शन समझ लेते हैं मेरे सहयोगी अंश भिलवाड़ से। तो निफ्टी काफी टाइम बाद हमें 24,800 लेवल के पास नजर आ रहा है। काफी ताज़ा खरीदारी इसमें नज़र आ रही है। ये दूसरा हफ्ता जब हमें लगातार इसमें खरीदारी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी हमें हरे निशान में बंद होते हुए नज़र आए वीकली बेसिस पे देखे तो, और इनका भी ये दूसरा हफ्ता था जब लगातार खरीदारी नज़र आ रही है। अब सेक्टर इंडिसीज की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टोरल इंडिसीज हमें हरे निशान में बंद होते हुए नज़र आ रहे इस हफ्ते, सिवाय निफ्टी रियलिटी के। निफ्टी मेटल दरअसल टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पर नज़र आता है, जो कि तीन हफ्ते की लगातार बिकवाली के बाद जाकर आज अच्छे से हरे निशान में बंद होते हुए नजर आया है इस हफ्ते के लिए। साथ ही साथ इस हफ्ते का जो गेन था वो पिछले तीन महीने का सबसे बड़ा गेन भी था। इसके टॉप गेनर्स में हमें हिंडाल्को नजर आता है, जबकि अगर निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी का चार्ट देखें तो ये तीनों ही इंडेक्सेस ने रिकॉर्ड हाई का स्तर छुआ है इस हफ्ते, तो इनमें काफी अच्छा पॉजिटिविटी बनता हुआ नजर आता है। निफ्टी ऑटो और निफ्टी बैंक का भी ये दूसरा हफ्ता था जब हमें लगातार खरीदारी नजर आई। निफ्टी बैंक की स्पेसिफिकली बात करें और इसका चार्ट देखें तो निफ्टी बैंक ने जो इसका की रेजिस्टेंस था अराउंड 50,700 का, उसके ऊपर क्लोज होते हुए नजर आया, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी होती हुई नज़र आती है। अब सेक्टर लूजर की बात की जाए तो निफ्टी रियलिटी ही एक मेजर सेक्टर इंडेक्स है जो हमें लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ ये 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ और इसके टॉप लूजर में हमें माइक्रोटेक पर्स नजर आते हैं। तो ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो काफी पॉजिटिव रहा है वीकली बेसिस पे। बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट पांच का पंच की तरफ, जहां हमारे सहयोगी जिनय बता रहे हैं कि किन शेयरों में दिखा जबरदस्त एक्शन और किस थीम में रही रफ्तार। जी, तो पहला फोकस स्टॉक में रहेगा नायका। आज हमें 8% की तेज़ी देखने मिल रही है कंपनी में, जो आज 1.4% के इक्विटी कई सौदे देखने मिले, आज ब्लॉक डील्स देखने मिली नायका में। इसके बाद दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा JSW एनर्जी। तो पहले तो कंपनी को एक NTPC के द्वारा ऑर्डर मिला है सोलार पावर प्रोजेक्ट के लिए, 300 MW के लिए रहेगा। और एक और दूसरा ऑर्डर ये है कि कंपनी ने जो एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है बेंगलुरु इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के साथ 300 MW सोलार पावर्ड प्लांट के लिए। तीसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा TVS मोटर्स। 3% की तेज़ी हमें आज देखने मिली स्टॉक में, और जो फोकस था इस ये रहेगा UBS का रिपोर्ट, जो TVS रिपोर्ट पर आया है, TVS मोटर्स पर आया है। कंपनी ने जो है बाय रेटिंग बरकरार रखे, उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 3,200 रुपये। उनका मानना है कि जो नया जुपिटर स्कूटर कंपनी ने लॉन्च किया है वो उसके PS के हिसाब से काफ़ी वैल्यू एड करता है और वो भी एक सिमिलर प्राइस रेंज में दिखता है। तो इनका मानना है कि एडिशनली ये करीब करीब 15,000 से 20,000 वॉल्यूम एडिशनल TVS जुपिटर्स को सप्लाई करेगा। मूविंग ऑन, इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो फोकस में रहेगा। आज हमें 5% की तेज़ी दिखने मिल रही है, और अगर आज आप देखेंगे तो FNO का टॉप गेनर भी हमें नज़र आया इंडिगो। इसके पीछे का कारण है कि जेफरीज की रिसेंट रिपोर्ट जो इंडिगो पर आई है, उन्होंने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखा है, उनका जो टारगेट प्राइस है वो हाइक करके कर दिया है 5,225। उनका मानना है कि इंडिगो ने पिछले 12 से 18 महीने में काफ़ी सरप्राइजेस दिए हैं और आगे चलकर इंडिगो की ग्रोथ में काफ़ी एक लॉन्ग रनवे उन्हें नज़र आता है। और लास्टली रेलटेल कॉरपोरेशन फोकस में रहेगा। 5% की तेज़ी देखने मिली आज हमें स्टॉक ने, और वैसे स्टॉक को एक बड़ा ऑर्डर मिला है 53 करोड़ का। ये ऑर्डर आ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के द्वारा लाइव CCTV सर्वेलेंस के लिए। बढ़ते हैं आगे और अगले हफ्ते किन इवेंट्स पर रखनी होगी नज़र, चलिए जानते हैं हमारे सहयोगी वरुण दुबे से। जी वरुण, बताएं क्या है अगले हफ्ते के लिए ट्रिगर्स। देखिए, अगले हफ्ते काफ़ी सारे बड़े इवेंट्स हैं जहां पे आपको नज़र रखनी है। शुरुआत करेंगे 24 अगस्त के साथ, यहां पे हाल ही की लिस्टेड कंपनी एकम ड्रग्स अपने नतीजे घोषित करेगी, तो आप नज़र रखिएगा। मुथूट कैपिटल बोर्ड बैठक के फंड रेजिंग के लिए, साथ ही साथ आरती ड्रग्स ट्रांसपोर्ट कॉप यहाँ पे बायबैक पे ये विचार करने वाले हैं, और TCNS क्लोदिंग की EGM है। जैक्सन होल
यहाँ पे आखिरी दिन है, तो देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है। बात करते हैं 26 अगस्त की, तो रेमंड की एनालिस्ट मीट है, जिंदल स्टेनलेस की ईजीएम है, एसबीआई लाइफ की एजीएम है, और यहाँ पे यूके के मार्केट जो है 26 तारीख को बंद रहेंगे, वहाँ पे बैंक हॉलीडे है। हालांकि हमारे यहाँ भी त्यौहार है, जन्माष्टमी का दिन है, लेकिन हमारे मार्केट्स खुले रहेंगे, ये आप याद रखिएगा। 27 अगस्त की बात करें तो यहाँ पे एक आईपीओ खुलने वाला है प्रीमियर एनर्जीज का। इसके अलावा पारस डिफेंस स्किपर्स, स्पंदना स्फूर्ति, बोर्ड बैठक के फंड रेजिंग के लिए, एलएनटी टेक की एनालिस्ट मीट है, और आदित्य विजन 1:10 स्टॉक स्प्लिट का यहाँ पे रिकॉर्ड डेट भी है। इसके अलावा रिकॉर्ड डेट है केडीडीएल और सुप्रजीत इंजीनियरिंग शेयर बायबैक की। वहीं एजीएम से इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी, यूपीएल और चंबल फर्टिलाइजर और तमाम स्टॉक्स की ओर। 28 तारीख को यहाँ पे इको मोबिलिटी, इसका आईपीओ जो है वो खुलने वाला है, और इंटरनेशनल मार्केट पे खास नज़र रखेगा क्योंकि एनवीडिया के अर्निंग्स इस दिन आने वाले हैं। एससीएल टेक का इन्वेस्टर डे भी है, तो यहाँ पे भी नज़र रखेगा। एजीएम है बीएल, गेल, एचएल, वोडाफोन आइडिया, इन्फो एज, एनएचपीसी, जोमैटो, तो यहाँ पे आप खास नज़र रखेगा। सबसे अहम दिन होने वाला है 29 अगस्त, क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे लोकल और ग्लोबल इवेंट्स लाइंड अप है। सबसे पहले मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा क्योंकि काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको देखने मिल सकती है। प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ जो है बंद होने वाला है, जिलेट इंडिया के अर्निंग्स आएंगे, एडा यहाँ पे जो बोर्ड बैठक है फंड रेजिंग के लिए, फाइनली 4,500 करोड़ रुपये के आसपास जुटाने वाले हैं, मच अवेटेड बोर्ड बैठक है, तो यहाँ पे आप खास नज़र रखिएगा। ब्लैक बॉक्स, लॉयड इंजीनियरिंग, यहाँ पे ईजीएम है इन कंपनियों की, और साथ ही साथ एजीएम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो सबसे बड़ी एजीएम यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा काफ़ी सारी और इंपॉर्टेंट कंपनियाँ जैसे कि अरबिंदो फार्मा, डीमार्ट, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, जुबिलेंट फूड वर्क, एनटीपीसी की यहाँ पे एजीएम होने वाली है। ग्लोबल मार्केट्स में यूएस का जीडीपी डेटा आएगा, साथ ही साथ इनिशियल जॉबलेस क्लेम का भी डेटा आने वाला है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि लोकल और ग्लोबल दोनों में काफ़ी बड़े इवेंट्स हैं 29 अगस्त को, तो यहाँ पे आप नज़र रखिएगा। 30 अगस्त की बात करें तो यहाँ पे इंडिया का भी जीडीपी नंबर आएगा, फॉरेक्स रिजर्व का आंकड़ा आएगा, इको मोबिलिटी का जो आईपीओ है बंद होने वाला है, अल्ट्राटेक की एक बोर्ड बैठक है, और एजीएम्स में अगर आप देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल, बीपीसीएल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईआरसीटीसी, जेएसपीएल और ओएनजीसी की यहाँ पे एजीएम होने वाली है। तो काफ़ी सारे बड़े इवेंट्स है जो लाइंड अप है अगले हफ्ते के लिए, कुछ आईपीओस आने वाले हैं, और साथ ही साथ याद रखिएगा काफ़ी सारी एजीएम्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज की एजीएम है जो अगले हफ्ते के लिए लाइंड अप है। धन्यवाद वरुण इस पूरे अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे, और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जुड़ी कंपनियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने एनर्जी स्टोरेज क्षमता को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। पूरी जानकारी के साथ प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। जी प्रकाश, बताएं क्या है इस पर पूरा अपडेट। देखिए, स्टोरेज कैपेसिटी और स्टोर्ड एनर्जी के प्रोक्योरमेंट से संबंधित जो टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग गाइडलाइंस है, उसका ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने ये ड्राफ्ट जारी किया है, और खासकर पंप स्टोरेज जो प्लांट्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में इसे जारी किया गया है। साथ ही साथ ऊर्जा मंत्रालय ने जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें पीएसयूज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, तमाम इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, उनसे कमेंट्स मांगे हैं, और उसके बाद इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिन्यूएबल एनर्जी के केस में अगर बात करें, क्योंकि सरकार जो है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को हासिल करना चाहती है 2030 तक, और उस दिशा में जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसकी भूमिका काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी, खासकर जो ग्रिड बैलेंसिंग है उसके टारगेट को मीट करने की दिशा में, क्योंकि इस तरह के जो स्टोरेज कैपेसिटी हैं उसमें रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर किया जाएगा, और जब भी ग्रिड को ज़रूरत होगी उसकी बैलेंसिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा ये जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, जो कि ड्राफ्ट के फॉर्मेट में है, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी कंपनी इसमें हिस्सा ले सकती है जो कि कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, कंसोर्शियम के रूप में इसमें हिस्सा लिया जा सकता है, और सेबी के तहत जो रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है वो भी बिडिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही साथ वैसे प्रोजेक्ट जो कि इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्टेड है, वैसे केस में जो मिनिमम बिडिंग कैपेसिटी होगी वो कम से कम 50 मेगावाट की होगी। इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के केस में जो मिनिमम बिडिंग कैपेसिटी होगी वो कम से कम 10 मेगावाट होगी। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी की बात करें, नेटवर्थ और एयूएम जो है वो कम से कम जो एस्टिमेटेड कैपिटल कॉस्ट है उसका 20% होना चाहिए, 5% बैंक गारंटी भी है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी वो भी निर्धारित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स हैं
काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, और इस तरह के जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो इस टारगेट को अचीव करने की दिशा में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। धन्यवाद प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 में बदलाव की सरकार की तैयारी का आज शहरों शुगर शहरों पर असर दिखा। इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस पर पूरी खबर के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ गए हैं। जी समीर, बताएं क्या है अपडेट। शुगर सेक्टर में सरकार जल्द ही एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। दरअसल जो शुगर सेक्टर है रेगुलेटेड सेक्टर है, और इसके रेगुलेशन के लिए जो शुगर कंट्रोल ऑर्डर है वो 1966 का है जो अब तक चला आ रहा है। लेकिन सरकार का मत है कि तब से लेकर के अब तक शुगर सेक्टर में बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, जिसके चलते जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कई बदलाव हुए हैं, स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। ऐसे में उन एडवांसमेंट को देखते हुए जो भी बदलाव शुगर सेक्टर में हुए हैं, इसके लिए अब ज़रूरत आन पड़ी है कि एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए शुगर सेक्टर के लिए, और उसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अब सरकार ने उसका ड्राफ्ट जारी किया है शुगर कंट्रोल ऑर्डर 2024 के नाम से। फिलहाल ये ड्राफ्ट है जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर से, पब्लिक से कमेंट या सजेशंस इनवाइट किए गए हैं। आखिरी तारीख कमेंट देने की 23 सितंबर रहने वाली है। इस नए कंट्रोल ऑर्डर के जरिए सरकार का मत है कि शुगर सेक्टर में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी आएगी, और साथ ही साथ ये तमाम उन पहलुओं को कवर करेगा जैसे एक्सपोर्ट कोटा क्या रिलीज हो रहा है उसके बारे में, या जो नई किस्म जो बाजार में आ रही है शुगर की, वो तमाम पहलू उसमें शामिल किए जाएंगे। यही नहीं, जो शुगर कंपनीज हैं उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ेगी कि वो उनके पास क्या कोटा है, रिलीज कोटा के तहत वो कितना उसका पालन कर रहे हैं, ये सारी जानकारी वो सही समय पे और सरकार के मांगने पर उसको मुहैया करा पाएंगे। तो शुगर सेक्टर में ये बड़े बदलाव की तैयारी कि जहां सरकार नया शुगर कंट्रोल ऑर्डर लाने की तैयारी कर रही है। रुक करते हैं अगली खबर का, और मारुति की वेगनार से बेस्ट सेलिंग कार का दर्जा छिनता दिख रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से जुलाई के बीच सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी टाटा पंच रही। इसके पीछे क्या कारण है बताने के लिए जुड़ गए हैं सुमित चतुर्वेदी। जी सुमित, टाटा पंच जो है उसने मारुति सुजुकी की वेगनार को पछाड़ दिया है भारतीय कार मार्केट में। वो नंबर वन गाड़ी बन गई है पहले 6 महीने में सेल्स के अकॉर्डिंग। जिसकी बात करें वेगनार और पंच में, हालांकि 2 से 3 लाख रुपए का फर्क है, तब भी लोग प्रेफर कर रहे हैं एक महंगी गाड़ी, क्योंकि उसकी सेफ्टी ज़्यादा है, उसके कुछ और फीचर ज़्यादा हैं। वैगनार की बात करें तो वो काफ़ी कह सकते हैं लगभग 2 दशक से ज़्यादा से मारुति सुजुकी के पास है। उसके कई रिफ्रेश मॉडल भी आए, हालांकि जब पंच आई, माइक्रो एसयूवी आई, एक नया कैटेगरी आया, उससे काफ़ी झटका पड़ा इस पूरे सेगमेंट को इससे, और यही दर्शाता है कि टाटा पंच जो है वो पहले 6 महीने में काफ़ी अच्छी सेल्स की है उसने और नंबर वन गाड़ी बन गई है। दूसरी और मॉडल्स भी हैं ह्यूंडई की और दूसरी गाड़ी भी हैं, पर यहाँ पे टाटा पंच को होते देखते हुए काफ़ी ये पता चल जाता है कि क्या कस्टमर्स प्रेफर कर रहे हैं। एयरफेयर से जुड़े मुद्दों को लेकर एविएशन मंत्रालय जल्द एक बैठक करने जा रहा है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। हवाई किरायों को लेकर के एविएशन मंत्रालय जल्द ही एक अहम बैठक करने जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस बैठक की अध्यक्षता खुद एविएशन मंत्री राममोहन नायडू करेंगे, और इसमें तमाम इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स भी शामिल रहेंगे, मसलन एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और साथ ही साथ टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर भी होंगे, और जो वेब पोर्टल जिनके जरिए हवाई टिकट बुक होता है तो उनके प्रतिनिधि भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको पता होगा कि राममोहन नायडू ने जब बतौर एविएशन मंत्री चार्ज संभाला था तो उनके जो प्रायोरिटी एजेंडा था उसमें एयरफेयर, जिस तरीके से हवाई की किरायों की में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, ये उनके टॉप एजेंडे में था कि इसको एड्रेस करना है। इसके बाद जब पार्लियामेंट्री सेशन था उस दौरान भी सरकार को लगातार तमाम एमपी से, देश भर के अलग अलग सांसदों से ये सवाल आया था कि ये जो हवाई किराए हैं इसमें जो बढ़ोतरी है इस पर कुछ अंकुश लगाया जाए या कुछ कदम उठाया जाए। तो सरकार ने इस मसले की गंभीरता को समझते हुए अब पहले तो अपने स्तर पर यानी कि एविएशन मंत्रालय में अपने अधिकारियों के बीच इसकी चर्चा करी है, और अब बहुत जल्द इसमें जो अन्य स्टेक होल्डर हैं उनके साथ में बैठक करने जा रही है, चर्चा करने जा रही है। हालांकि सरकार का या एविएशन मंत्रालय का ये मत नहीं है कि किसी तरीके की कैपिंग लगाई जाए। सरकार ये अभी भी मानती है कि एयरफेयर मार्केट फोर्सेस के जरिए ही संचालित
संचालित हो रहे हैं, लेकिन कोई तो ऐसा बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जिसके जरिए खास मौकों पर जैसे त्योहारी सीजन में या किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन में हवाई किराए ना बढ़ें, ऐसा इसको लेकर के कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो इन तमाम पहलुओं को देखते हुए एविएशन मंत्रालय जल्द अहम बैठक करने जा रहा है और उसके बाद दो राह पर वो आगे बढ़ेगा। एक तो होगा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन और एक होगा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो इस तरीके के विचार के साथ में एविएशन मंत्रालय हवाई किराए पर बैठक इसको जल्द ही कर सकता है और उसके बाद कुछ बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है। अगली खबर भी एविएशन सेक्टर से ही होगी। डीजीसीए ने नॉन क्वालिफाइड क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाइट ऑपरेट करने के मामले में एयर इंडिया पर 98 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पूरी खबर दे रहे हैं मेरे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी। एयर इंडिया के लिए मुसीबतें खत्म नहीं हुई हैं। इस बार 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया है। ये फाइन लगाया गया है गलत रोस्टरिंग की वजह से, जो पायलट्स को गलत रोस्टर कर दिया गया था, एक विदेशी फ्लाइट थी उस पर। इस सब के चलते जो डीजीसीए है एविएशन सेक्टर रेगुलेटर नाराज है और उसने ये फाइन लगाया है क्योंकि इसमें नॉर्म्स मीट नहीं किए थे, रूल्स तोड़े गए थे। एयर इंडिया जो पहले सरकारी था पर अब टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसको काफ़ी समय से काफ़ी बार जो लताड़ पड़ी है क्योंकि एयर इंडिया काफ़ी बार रूल्स नहीं मानता है और उसकी वजह से इसको अलग अलग वक्त पर फाइन देना पड़ता है। इस बार ये फाइन 1 करोड़ रुपया जो डीजीसीए ने लगाया है एयर इंडिया पर। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बम और गोली के धमाकों के बीच पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं। 2.5 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध का शांति से समाधान ढूंढने और आपसी संबंधों पर फोकस है। पूरी दुनिया के इस दौरे पर नजर। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे हैं। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन जाने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। पीएम मोदी ऐसे समय में कीव पहुंचे हैं जब रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जंग जारी है। पीएम मोदी के यूक्रेन पहुंचने पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेता यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे जहां उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। दोनों नेताओं के बीच 1-to-1 और प्रतिनिधि मंडल स्तर पर भी वार्ता हुई जिसका फोकस रूस यूक्रेन वॉर का बातचीत के जरिए समाधान खोजने के तरीकों पर रहा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव के एवी फोमिन बोटैनिकल गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। कीव में भारतीय समुदाय ने किया पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। सभी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स आ चुके थे, हम लोग भी अपेक्षा कर रहे थे कि मोदी जी आए, हमारे को थोड़ा सपोर्ट करें, इंडियन डायस्पोरा को सपोर्ट करें, यूक्रेन को सपोर्ट करें, क्योंकि मोदी जी की विजिट जो मॉस्को में थी सब लोगों के लिए, हमारे लिए थोड़ा दुखदायक थी क्योंकि हम लोगों को काफ़ी बोला गया कि मोदी जी उधर गए हैं, इधर क्यों नहीं आ रहे हैं। बट मोदी जी ने ये सपना भी हमारा पूरा कर दिया है। मोदी जी हैं तो सब कुछ है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मुझे आशा है कि जब ये यहाँ आए हैं तो कुछ नया संदेश भी लाए होंगे और हमारे देश में हम भारतीयों के लिए खुशहाली का कुछ न्यूज़ आई होगी। नहीं, चलिए अब बात करते हैं कुछ एंटरटेनमेंट की। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव स्टारर स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बना रही है। सिर्फ 8 दिनों में ट्रिपल सेंचुरी लगा चुकी फिल्म ने कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े हैं बता रहे हैं मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। जी प्रशांत, बताएं। जी हाँ, ठीक कहा आपने। बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम किए हैं और डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इसने अब तक KGF 2 और बाहुबली 2 जैसी दिग्गज फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 300 करोड़ क्लब यानी कि ट्रिपल सेंचुरी लगा चुकी है स्त्री 2 और ये अपने आप में 2024 के बॉक्स ऑफिस के लिए बहुत बेहतर साइन है। अगर हम बात करें इसके डोमेस्टिक कलेक्शन की तो इस फिल्म का कलेक्शन 300 करोड़ के पार जा चुका है महज
8 दिनों में। इसके साथ ही अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो स्त्री 2 ने वर्ल्ड वाइड 428 करोड़ का बिजनेस किया है। इसके साथ ही अगर हम देखें बाकी रिकॉर्ड्स की, तो जैसा मैंने आपको बताया KGF 2 और वॉर 2 जैसी फिल्मों का तो रिकॉर्ड इसने तोड़ा ही है। KGF 2 की बात कर लें, बाहुबली 2 की बात कर लें, यही नहीं इसने जो नई रिलीज हुई फिल्में हैं जैसे अक्षय कुमार की खेल खेल में, जॉन इब्राहिम की वेदा, इन दोनों फिल्मों को एक तरह से धराशायी कर दिया है। इन दोनों फिल्मों के अच्छे रिव्यूज़ होने के बावजूद ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली हैं। यही वजह है कि अब लॉन्ग रन में इसके सेकेंड वीक में अब देखा जा रहा है कि स्त्री 2 और ज़्यादा धमाल मचाने वाली है। अब हम बात करते हैं खास तौर पे कि आखिर 300 करोड़ क्लब में कौन कौन सी फिल्मों ने एंट्री की हुई है। तो 300 करोड़ क्लब की अगर हम बात करें तो इसमें जवान, पठान और इसके साथ ही स्त्री 2, जी हाँ, ये तीन फिल्में बहुत लीडिंग हैं जिन्होंने 300 करोड़ क्लब में एंट्री की है। इसके अलावा बात करें अगर हम बाकी फिल्मों की तो आप देखिए गदर 2 है, इसके अलावा वॉर की बात कर लें, इसके अलावा बहुत सी और फिल्में, टाइगर जिंदा है की बात कर लें, एनिमल की बात कर लें, तो ये सारी फिल्में हैं जो कि 300 करोड़ क्लब में एंट्री पा चुकी हैं। सुल्तान सलमान खान की एक फिल्म थी, इसने भी 300 करोड़ क्लब में एंट्री पाई है। अब इतने अच्छे कलेक्शन के बाद अब इंतज़ार है कि आने वाले वक्त में कौन सी ऐसी फिल्में हैं जो इस तरह का बड़ा बिजनेस कर सकती हैं। तो अल्लू अर्जुन की पुष्पा धरूल, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं और साल के अंत में रिलीज़ होने वाली है। भूल भुलैया 3 और इसके साथ ही एक और अहम फिल्म की अगर हम बात करें तो जिस पर सबकी निगाहें हैं वो है सिंघम 3। जी हाँ, इन सब पर निगाहें टिकी हुई हैं और ये फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा सकती हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।